गोरिल्ला ग्लास। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जहाँ पर फ़ोन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और अगर हम अपने फ़ोन पर हथौड़े से वार करते हैं, मतलब हथौड़े से उसको मारते हैं, तो वहाँ पर भी फ़ोन को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता है और ना ही उसकी जो डिस्प्ले है वो टूटती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोरिल्ला ग्लास के बारे में, और कॉर्निंग नाम की कंपनी है जो इस गोरिल्ला ग्लास को बिल्ड करती है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कॉर्निंग कंपनी ने सीधे ही गोरिल्ला ग्लास बनाना शुरू किए थे, उससे पहले नॉर्मली ग्लास बनते थे जिसका यूज़ चश्मे बनाने में किया जाता था, कार के शीशे बनाने में, और भी कई चीज़ें थी उसमें भी यूज़ किया जाता था। और आप लोगों को बता दें, जो गोरिल्ला ग्लास है वो नॉर्मली चार मटेरियल से मिलकर बना होता है, एल्युमिनो सिलिकेट, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही मिलकर बन जाते हैं, इनको एक प्रोसेस के द्वारा किया जाता है और उसके बाद हम लोगों को मिलता है पावरफुल गोरिल्ला ग्लास। अब पावरफुल है या नहीं है वो तो उसकी जो प्रोसेस है उसके ऊपर ही मतलब डिपेंड करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोरिल्ला ग्लास के बारे में और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को एक लाइक तो जरूर से ही कर दीजिएगा और एक शेयर भी अगर हो सके तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्मार्टफोन्स में जो गोरिल्ला ग्लास का सफ़र है वो शुरू हुआ था 2010 में गोरिल्ला ग्लास 1 आईफोन में यूज़ किया गया था, और इसका बहुत ज़्यादा ही मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन्स में इसका यूज़ हुआ था। नियर अबाउट 250 स्मार्टफोन्स में, अलग अलग स्मार्टफोन्स में इसको यूज़ किया गया था, और वहाँ पर इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। अब गोरिल्ला ग्लास 1, 2, 3, 4, 5 और अब 6 आ चुका है। 6 हालांकि बहुत ही कम स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है, बट पॉइंट इसकी देखने को मिलता है। और अगर बात कर लें गोरिल्ला ग्लास 2 के बारे में, तो वो आपको देखने को मिला था 2012 में, मतलब 2012 में गोरिल्ला ग्लास 2 को बनाया गया, जो गोरिल्ला ग्लास 1 से थोड़ा सा मोटाई में कम था और थिकनेस मतलब उसकी थोड़ी सी कम थी। और दोस्तों, यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं गोरिल्ला ग्लास 3 के बारे में, जो कि आपको देखने को मिला था 2013 में। जी हाँ, और गोरिल्ला ग्लास का जो यूज़ है वो काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में किया गया था। नार्जो सीरीज़ है रियलमी की, उसमें यूज़ किया गया था। इस टाइम पर गोरिल्ला ग्लास 5 की जगह गोरिल्ला ग्लास 3 का यूज़ क्यों किया जा रहा है? हालाँकि गोरिल्ला ग्लास 3 गोरिल्ला ग्लास 5 के कंपेरिजन में थोड़ा सा लो है, बट फिर भी गोरिल्ला ग्लास 3 का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास 3 में स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं, मतलब बहुत ही कम। अगर गोरिल्ला ग्लास 5 की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर 90% स्क्रैच पड़ते हैं, और गोरिल्ला ग्लास 3 में 90% स्क्रैच नहीं पड़ते हैं, बट हाँ, गोरिल्ला ग्लास 3 टूट जल्दी जाता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गोरिल्ला ग्लास 4 के बारे में। तो गोरिल्ला ग्लास 4 हम लोगों को देखने को मिलता है 2014 में। जी हाँ, और एक छोटा सा सर्वे हुआ था कि मतलब क्या ही कारण है कि फ़ोन ज़्यादा डैमेज हुए हैं, तो 70% यूज़र्स के जो फ़ोन थे वो स्क्रीन डैमेज की वजह से, जी हाँ, फ़ोन हाथ से स्लिप हो जाता है, टूट जाता है, तो उसकी वजह से 70% फ़ोन ख़राब हो गए थे। तो मतलब उस चीज़ को देखते हुए गोरिल्ला ग्लास 4 को बनाया गया, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 से नियर अबाउट 3 times स्ट्रॉन्ग था। तो मतलब वहाँ पे भी ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर पाया, फ़ोन हाथ से स्लिप होते थे और टूट जाते थे। और गोरिल्ला ग्लास 4 के बाद आया 5, बहुत ही जल्दी आया था, और ये तो भैया कतई जहर। अगर फ़ोन आपके हाथ से गिर जाता है तो 90% फ़ोन डैमेज नहीं होगा, मतलब गोरिल्ला ग्लास 5 टूटेगा नहीं, थोड़े बहुत स्क्रेचेस आ सकते हैं बट टूटेगा नहीं। बट गोरिल्ला ग्लास 3 और गोरिल्ला ग्लास 4 तो चटाक बिना सोचे ही जा रहे थे। तो मतलब यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 5 में बहुत अच्छे तरह से वर्क किया गया और इसको काफ़ी अच्छे से मतलब रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब हाथ से फ़ोन स्लिप होगा तो टूटेगा नहीं। और उसके बाद आया भैया गोरिल्ला ग्लास 6। आप सभी लोग जानते हैं गोरिल्ला ग्लास 6 का ऐसे छोटे मोटे फ़ोनों में यूज़ नहीं किया जाता है, बहुत ही फ्लैगशिप लेवल का जो स्मार्टफोन होता है, जैसे कि सैमसंग के फ़ोन आते हैं S10 सीरीज़ के, तो वहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 6 का यूज़ किया जाता है। फिलहाल बजट स्मार्टफोन्स में गोरिल्ला ग्लास 6 का यूज़ नहीं होता है और हम लोगों को नॉर्मली देखने को नहीं भी मिलता। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी गोरिल्ला ग्लास के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब भी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है एक नई एक्साइटिंग और यूजफुल वीडियो बनाने के लिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। और बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।